राधे राधे राधे, बरसाने वाली राधे। ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी श्री श्यामा जी बरसाने वाली राधे हैं, क्योंकि वे सदैव ही अपने भक्तों पर कृपा बरसाती रहती हैं। श्री राधा रानी के तो नाम की महिमा ही अपार है। राधे राधे यह केवल एक मंत्र नहीं बल्कि एक महामंत्र है। इस मंत्र का ही प्रभाव है कि साक्षात भगवान कृष्ण राधा रानी के इस मंत्र का जाप करते हैं। श्री राधा रानी के नाम की ही महिमा है कि जो व्यक्ति भी इस नाम का आश्रय ले लेता है, स्वयं भगवान विष्णु उस व्यक्ति के आगे सुदर्शन चक्र लेकर उसकी रक्षा करते हैं। पीछे से भगवान शिव अपने त्रिशूल से, दाईं ओर से भगवान इंद्र अपने वज्र के द्वारा एवं बाईं ओर से वरुण देवता उस व्यक्ति की सदैव रक्षा करते हैं। श्रीमद् भगवत पुराण में तो यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति राधे नाम का उच्चारण करता है, कृष्णा सिर्फ उन्हीं की पुकार सुनते हैं। इसलिए कृष्णा को बुलाना है तो सबसे पहले श्री राधा रानी को बुलाइए। जहां भगवती राधा रानी होंगी वहां तो कन्हैया स्वयं ही आ जाएंगे। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। कृष्णा तो यही चाहते हैं कि लोग भले ही कृष्ण का नाम ना लें, लेकिन राधा नाम का जाप अवश्य करते रहें। इसी संदर्भ में एक कथा भी आती है कि बहुत समय पहले वृंदावन में एक भक्त था, नारायण दास। वो रोज भगवान की पूजा करता था, श्रृंगार करता था। तो एक दिन वह रोजाना की तरह ही भगवान का श्रृंगार कर रहा था। जब वो मुकुट पहनाने लगा ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी को मस्ती सूझ गई। उन्होंने सोचा कि आज अपने भक्त को कि थोड़ा सा परेशान किया जाए। उन्होंने मुकुट उतार के नीचे डाल दिया। अब भक्त ने सोचा ये क्या हो गया। तो वो कन्हैया को लाला कह के बुलाता था। तो उसने कहा, लाला मुकुट लगाई लो और फिर से उठा के मुकुट कान्हा के सिर पे लगा दिया। लेकिन भगवान जी तो मस्ती के मूड में थे, उन्होंने क्या किया, फिर से मुकुट उतार के जमीन पे डाल दिया। अब तो भक्त परेशान हो गया। उसने कहा, लाला तो को तोरे बाबा की कसम मुकुट लगाई ले। लेकिन भगवान जी तो मानने वाले नहीं थे, वो नहीं माने, नहीं लगा पाए मुकुट नारायण दास। फिर उन्होंने दोबारा कोशिश में कहा, लल्ला तो को तोरी माता की कसम मुकुट लगाई ले। लेकिन भगवान ने मुकुट नहीं लगाया। जब बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, भक्त ने सारे गोपियों की कसम, ग्वालों की कसम, गैयों की कसम, अपनी कसम, सबकी कसम दे डाली, लेकिन ठाकुर जी ने मुकुट नहीं लगाया। अब तो भक्त नारायण दास दुखी भी हो गया और उसे थोड़ा सा गुस्सा भी आ गया। और वो एकदम से बोला, लल्ला अब मैं आखिरी बार कह रहा हूं, तो को तोरी राधा रानी की कसम अब तो मुकुट लगा ही ले। और इतना सुनना था और ठाकुर जी ने तुरंत मुकुट लगा लिया। तो देखा आपने, कृष्णा राधा रानी से कितना प्रेम करते हैं। श्री कृष्णा तो यहाँ तक कहते हैं कि श्री राधा रानी मेरी आत्मा है, मैं राधा में और राधा मुझ में बसती है। इसीलिए उन्हें राधा रमण भी कहा जाता है। यदि राधे कृष्णा में से राधे हटा दें तो कृष्णा का व्यक्तित्व ही माधुर्यहीन हो जाएगा। ये राधा रानी का ही प्रभाव है कि श्री कृष्ण राधेश्वर कहलाए। जो व्यक्ति राधे कृष्ण का जाप ना करके सिर्फ कृष्ण 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 नाम का ही जाप करता है, वह अपना समय उसी प्रकार नष्ट करता है जैसे कि रेगिस्तान में बैठकर मछली पकड़ने का प्रयास करना। अर्थात उसे कृष्ण की प्राप्ति कभी नहीं होती। इसके विपरीत जैसे ही कोई राधे कृष्णा का जाप करता है तो इसका अर्थ है राधे कृष्णा। यह जानकर भगवान कृष्ण तुरंत ही उस व्यक्ति की सभी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। श्री राधा रानी के नाम की महिमा के बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति राधा इस शब्द का उच्चारण करता है तो मैं उसके रा बोलते ही उसे अपना भक्त बना लेता हूँ, और जैसे ही वह व्यक्ति धा शब्द का उच्चारण करता है तो मैं बार बार उसके मुंह से राधा सुनने के लोभ में उस व्यक्ति के साथ साथ ही चल देता हूँ। जब कभी भी वृंदावन की महिमा की बात कही जाती है तो यही कहा जाता है कि राधा रानी के चरण वृंदावन में जहां जहां भी पड़े वही प्रयाग है। हे राधे, ब्रज मंडल के कण कण में है बसी तेरी ठकुराई,
कालिंदी की लहर लहर ने तेरी महिमा गाई। पुलकित होए तेरो जस गावे श्री गोवर्धन गिरिराई। ले ले नाम तेरो मुरली पे नाचे कुंवर कन्हाई। तो ऐसी है हमारी राधा रानी की महिमा। तो आज से ही अपने दिन की शुरुआत राधे राधे कहकर करें और प्रेम से कहते रहिए जय श्री राधे।